काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि CSS क्या है, इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है और इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट CSS एग्जाम तो रेडी करते हैं। व्हाट इज दिस CSS एग्जाम? CSS एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसके जरिए हुकूमत पाकिस्तान FPSC यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अदारे के तहत निगरानी BPS 17 स्केल अफसर भर्ती करती है। ये एग्ज़ाम साल में एक दफ़ा मुनक़द किया जाता है। नहायत ही काबिलियत और मुस्तकिल मिजाज उम्मीदवारों की सिलेक्शन की जाती है और इन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी हुकूमती मशीनरी चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। FPSC हर साल इस एग्ज़ाम का बजरिया अखबार करती है, यानी कि अखबार के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की जाती है और तकरीबन अक्टूबर के महीने में इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं। फॉर्म भरने के तकरीबन 3 माह बाद इसकी स्लिप उम्मीदवार को भेजी जाती है और ये एग्ज़ाम फरवरी के महीने में मुनक़द किया जाता है। टेस्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप इसका 4 स्टेजेस ऑफ टेस्ट, यानी कि CSS की जो टेस्ट है वो जो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट रिटन टेस्ट, सेकंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, थर्ड मेडिकल टेस्ट एंड फोर्थ वाइवा वाइस एंड इंटरव्यू टेस्ट। सबसे पहले तो रिटन टेस्ट क्या होता है? रिटर्न टेस्ट ये होता है कि आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद वो आप वो रोल नंबर स्लिप पे सेंड करते हैं FPPS की वेबसाइट, और फरवरी के मंथ आप इनका रिटर्न टेस्ट देते हैं। जैसे कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हर साल या हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम है इसका होता है। इसमें रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट में दो होता है। पहला जो पेपर होता है वो कंपलसरी सब्जेक्ट का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। रिटर्न टेस्ट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर रिटर्न टेस्ट पास करोगे तो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में आएंगे। रिटर्न टेस्ट पर साइकोलॉजिकल टेस्ट पास होगा तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आपको पता ही है कि कैसे होता है और उसमें क्या क्या होता है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वाइवा वाइस इंटरव्यू टेस्ट। वाइवा वाइस आपके फाइनल है, इसमें आपकी सिलेक्शन की जाएगी कि आपको किस तरह के ग्रुप में रखा जाए और आपके इंटरेस्ट में भी इसको शामिल किया जाएगा। एग्जामिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होता है और उसमें क्या होता है और पेपर कितने होते हैं, ऑप्शनल कितने होते हैं, कंपलसरी कितने होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 1200 होता है इसमें। CSS के एग्ज़ाम में 1200 टोटल मार्क्स होते हैं और इस एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, फर्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट एंड सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब कंपलसरी सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स, जो कि इंग्लिश ऐसे होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होता है और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको 5-7 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से एक टॉपिक पर आपने उसकी वो पूरी डिटेल देनी है, ऐसे की आउटलाइन देनी है। ऐसे लिखने का सबसे बेहतर मेथड यही है कि सबसे पहले आप उसकी आउटलाइन बनाएं, मतलब आपको जो ऐसे अच्छा लगता है जो उन्होंने दिया होगा। अगर पेपर में 5-7 होते हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें जो आपको अच्छे तरीके से प्रीपेयर हो, आता हो, और उसकी पहले आप आउटलाइन लिखें, आउटलाइन के बाद फिर आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें। इंग्लिश प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी 100 मार्क्स होते हैं, इसका भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 80 मार्क्स का इसका सब्जेक्टिव होता है। 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें वर्ड मीनिंग होते हैं, आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसके लिए, और उसके बाद साइनम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। और इसके बाद जो 80 नंबर का सब्जेक्टिव होता है उसमें आपको कंप्रिहेंशन होती है, ग्रीसाइज होता है, इडियम्स होते हैं, ट्रांसलेट करनी होती है पैराग्राफ की इंग्लिश में।
पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान अफेयर भी 100 मार्क का होता है इसमें। पाकिस्तान अफेयर के, पाकिस्तान के कौन कौन से अफेयर हैं अपने, ऐसे फॉर एग्जांपल पानी की कमी, पॉपुलेशन, उसके बाद माहौलियाती आलूदगी, शोर की आलूदगी, इसके वगैरह और भी काफ़ी सारे हैं। इसका भी यही तरीका होता है कि जो 20 नंबर होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 80 नंबर होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं। इसका जो 20 नंबर का मार्क्स का वो ज़्यादातर जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल होता है। आप सबसे पहले जनरल नॉलेज पर पूरी ग्रिप हासिल करें, इंशाल्लाह ये पेपर भी ईजी होगा। जनरल साइंस एंड बिल, जनरल साइंस आप हम तकरीबन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से लेकर आप बैचलर तक जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब इसका आप एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक, इसके बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 3 3 नंबर का या 4 नंबर का मैथ्स में। उसके बाद और वो पोटाशियम वगैरह केमिकल के नाम पूछ लेते हैं, और उसके बाद और भी बहुत कुछ इसमें, यानी कि जनरल होता है, इतना टफ नहीं होता। करंट अफेयर, करंट अफेयर भी 100 मार्क्स का होता है, उसके भी 20 मार्क्स होते हैं, 80 80 मार्क्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं उसमें करंट अफेयर। मतलब जैसे करंट अफेयर है कि पाकिस्तान का पीएम अभी कौन है, तो इसका आंसर होगा इमरान खान, और इसका और आर्मी चीफ कौन है, इसका आंसर होगा जी कमर जावेद बाजवा। ठीक हो गया, इतना ये करंट अफेयर चल रहे हैं। उसके बाद इस्लाम याद, इस्लामिक स्टडी भी 100 मार्क्स होती है, उसमें भी 20 मार्क्स होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, और 80 मार्क्स होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं। इस्लामिक स्टडी में अक्सर लोग इसको बहुत ईजी ले लेते हैं कि जैसे कि जो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, हम इसमें ईजिली पास हो जाएंगे। हाँ इसमें इजीली पास हो जाएंगे, मगर ज़्यादातर लोग इसमें फेल भी हो जाते हैं क्योंकि वो इसको इजी ले लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा भी टाइम देने करें। और हाँ कुछ लोग पूछते हैं कि इस्लामिक स्टडी उर्दू में करें या इस्लामिक स्टडी इंग्लिश में करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस पर करना है। अगर आपकी उर्दू राइटिंग अच्छी है तो आप उर्दू पे कर लें, अगर नहीं वरना आप इंग्लिश में तो लाजमी करनी पड़ेगी ना। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं CSS के, वो इसको इंग्लिश में लेते हैं क्योंकि उनके ओवरऑल सब्जेक्ट भी इंग्लिश में होते हैं, तो वो ये भी इंग्लिश में लेते हैं। अगर वो उर्दू में लेते हैं उनको खलल पड़ जाता है कि यार ये उर्दू में होगा बाकी इंग्लिश में, ये तो अपने इंटरेक्ट की बात है। आप उसको उर्दू में भी ले सकते हैं और आप इसको इंग्लिश में भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उनको कैसे सिलेक्ट करना है, आपका बैकग्राउंड कौन सा है, बैकग्राउंड के लिहाज से कौन से सब्जेक्ट अच्छे होंगे, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस की 2200 होती है, मतलब जब आप अक्टूबर का महीने इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन, तो ये तो 2200 तो लाजमी देना होता है। जैसा स्कूल कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में हम एग्जाम देते हैं तो उसकी भी फीस होती है, पेपर फीस होती है, इस तरह ये भी इनकी फीस है। एग्जामिनेशन मंथ फेबरी ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल के फेबरी का मंथ होता है तो उसमें इसका एग्ज़ाम होता है, हर साल फेबरी के मंथ में इसके एग्ज़ाम होते हैं। अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद दिसंबर में इसकी वेरिफिकेशन होती है, जनवरी में या जनवरी क्लास में इसकी आपको रोल नंबर स्लिप दी जाती है, और फरवरी में इसका एग्ज़ाम होता है। एलोकेशनरी ग्रुप, ये CSS के बारे में मशहूर है कि वो कौन से ग्रुप हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब अगर आप CSS में अल्लाह करे पास हो जाएं तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, तो वो आपका इंटरेस्ट भी होता है कि काफ़ी सारे लोगों का किसी का, और किसी को उसके ग्रुप यानी कि नंबर के लिहाज से ग्रुप देता है। जो पहला ग्रुप है वो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तीसरा कस्टम एंड एक्साइज, नंबर 4 पोस्टल ग्रुप, नंबर 5 इनकम टैक्स ग्रुप, नंबर 6 इंफॉर्मेशन ग्रुप, नंबर 7 फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, नंबर 8 कॉमर्स एंड ट्रेड, नंबर 9 मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट, नंबर 10 पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विस, नंबर 11 ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, नंबर 12 रेलवे कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। ये वो 12 ग्रुप है जो आपको आपके नंबर के हिसाब से दे, ये वो 12 ग्रुप है जो आपको आपके ग्रुप मार्क्स के हिसाब से नंबर दी, नंबर को के हिसाब से ग्रुप दे दिए जाएंगे उनकी तरफ से। CSS की जो कमेटी होगी, यानी कि आपका जिसमें आपका मेरिट बनेगा आप उसमें
जान सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए जो एज होती है वो 21 है टू 30 ईयर, मतलब आपकी एज 21 साल से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। एजुकेशन, हाँ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएट सेकंड क्लास और सी ग्रेड, मतलब अगर आपका CGPA टोटल 4 है तो उसमें से जो 3 CGPA होगा तो वो फर्स्ट डिवीजन बनेगी, और अगर उससे थोड़ा सा नीचे होगा तो 2 बी क्लास बी ग्रेड बनेगा, और थोड़ा सा तो सी ग्रेड मतलब। और ग्रेजुएट की भी कुछ आप देख सकते हैं, लाइक यू कैन अप्लाई आफ्टर BA के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc के बाद भी, BS के बाद भी, और BCom के बाद भी। एज के बारे में कुछ सूरत में आपके लिए रियायत भी है, मसलन सरकारी मुलाजमीन, मजदूर, उम्मीदवार, तस्लीमशुदा, कबाली इलाका यार, बलोच कबाइल, DI खान, पेशावर डिवीजन वगैरह, डेरा गाजी खान और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इनमें आपके लिए रियायत होगी। वो तो आपको वो बता देंगे कमेटी वाले से ये सब की कि आपको रियायत कितनी देनी है कितनी नहीं देनी। और इसके लिए पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की शहरियत के हामिल अफराद अहल हैं। ठीक हो गया। प्रिपरेशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर एग्जाम, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, खुद को एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और नोट्स कैसे बनाएं, और उसके बाद कौन सी बेस्ट बुक है इसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए, और कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट तफसीलात बता दूंगा।